वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। टिवट तो खत्म होगी, पार्टी में भी कुछ नहीं बचा हुआ। उनके कई बार गलत बयान बाजी हुई, उनकी अपनी लैंग्वेज पे कमांड नहीं है। एक देवीलाल का नाम हटाओ पहले अपने काम के साथ से, फिर तुम्हें जनता वैसे तो का तो भी दिखाने लग रही है और अच्छे से अक्टूबर में दिखा देगी। इसने हमें नहीं कुछ बनाया, हमने इसको बनाया है। आज ये सोशल मीडिया का जमाना है, आप बोल के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं इतना इनको सुझाव देना चाहूँगा कि अपनी भाषा पे संयम रखें और अपने गरिमा का भी ध्यान रखें। कुछ नहीं है आप जो मुंह पाड़ के कुछ भी बोल देते हो ना, आप कुछ भी नहीं है। आप पंचायत मेंबर बनने के भी लायक नहीं है। जैसे जननायक जनता पार्टी की तरफ से दुष्यंत जी ने भी और जो अन्य और विधायक भी थे जा दिया दूसरे, तो उन्होंने कहा है भी सरकार अलग में है और वो गवर्नर साहब को मिले भी हैं, स्पीकर साहब को मिले हैं। देखिए, एक पहली बात तो उनका अधिकार क्षेत्र है और दूसरा जो आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये उनकी जवाबदेही है। तो ये तो आने वाला समय बताएगा, अगर कोई ऐसा ही नौबत आती है जो फ्लोर टेस्ट वगैरह की, तब ही आप ये बता पाएंगे कि सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ उसमें अपना लेके आ पाती है या नहीं पाती। दुष्यंत को हमने अपना विधायक दल का नेता बनाया हुआ है, हालांकि ठीक है उसने लेटर दिया, उस पर किसी की कंसल्ट नहीं है, ना किसी के साइन है, ना किसी से उसने पूछा। लेकिन अभी आज ये कह देना भाई कॉन्टैक्ट में तो है ही, कॉन्टैक्ट में तो जब चुनाव होता है तो जहाँ से चुनाव से लोग लड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए सरसा से ही लड़ रहे हैं तो 1,00,000 वोट मुझे मिले हुए हैं, तो वहाँ तो उपरोक्त। तो अब जैसे जो आज हमारी पार्टी के जो हालात हैं तो दूसरी पार्टी को ऐसे मौके पे उनको उपरोक्त तो वो करेंगे, चाहे कांग्रेस की तरफ से है और चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। लेकिन ये फैसला मैंने अपने टोहाना की जनता पर छोड़ दिया था, हमारे टोहाना की जनता में हमने रायशुमारी प्रोग्राम किया है, उसके बाद जो भी उनकी तरफ से फैसला आएगा और जो हमारी एक कोर कमेटी के जो साथी हैं वो जो फैसला लेंगे जो टोहाना के हित में होगा और उसके अंदर मैं अपनी राय रखूंगा। मैं अपना फैसला उन पर नहीं ठोकूंगा, मैं हमारी जनता का फैसला होगा वो इसी फैसले से हम वो तो फैसला है। ये चुनाव पार्लियामेंट का है, ये इस चुनाव में हमारे लोगों ने फैसला लेना है और मैंने उन्हीं की अदालत में ये केस भेज दिया है। उस अदालत से जो फैसला टोहाना की जनता की अदालत से जो फैसला आएगा वो फैसला देवेंद्र सिंह बबली उसको सर्वमान्य करके उसको हम आगे बढ़ाने का उस पर काम करेंगे। और दूसरे विधायक हैं कहीं, कोई आपकी बात ठीक है, हमारे कुछ विधायक कांग्रेस की मदद में उनके लड़के उतरे हुए हैं, दो तीन एक अपने बीजेपी में डायरेक्ट उनके स्टेजों पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। मैं अपने लोगों की राय से ही जो फैसला लूँगा, लोगों की राय के बाद। पार्टी के सभी सेलों के जो प्रदेश SC सेल के थे, हमारे किसान सेल के थे, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जो भी कोई पदों पर थे, लगभग खाली हो गई है। और जो इनके 10 विधायक थे, 10 विधायक में मुझे लगता है दो तीन के अलावा कोई विधायक इनके साथ जननायक जनता पार्टी में कहीं भी, जय नैना जी का उस दिन नॉमिनेशन था, देख लीजिए पार्टी वार्टी तो खत्म हो गई, पार्टी में भी कुछ नहीं बचा हुआ। बस हम जैसे पार्टी की टिकट से लड़ लिए थे तो उस वजह से अब जब तक हम इस MLA के पद पर हैं, जब तक हम जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं और वो एक औपचारिकता सी रह गई है, बाकी मुझे कुछ लगता नहीं हो कुछ बचा हुआ। लेकिन मैं मर्यादाओं का ख्याल रखता हूँ, मैंने पहले भी बार बार कहा है, उनके कई बार गलत बयान बाजी हुई, उनकी अपनी लैंग्वेज पे कमांड नहीं है, या फिर मैंने पहले भी कहा था कि कहीं ना कहीं वो नॉर्मल नहीं होते। तो ऐसे थोड़ा ना कोई भी आदमी, मैं उनकी एज से थोड़ा ही छोटा हूँ, जो दुष्यंत है या ये दूसरे बच्चे हैं, ये तो मेरे बच्चों से थोड़े 1-2 साल 3 साल बड़े होंगे, तो उनको बड़े ज़रूर हैं, बड़े की भी कुछ मर्यादाएँ होती हैं, उनको अपनी मर्यादाओं में रह के भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए था। मैंने तो उसका जवाब दिया है, मैं कभी भी अपने मर्यादाएँ नहीं खोता। और जो फालतू के जो ये लोग बोल रहे हैं, जिनके 1-2 पारिवारिक सदस्य हैं, पहले वो अपने गिरीबान में जाके और अपना लेवल देखें। एक देवीलाल का नाम हटाओ पहले अपने नाम के साथ से, फिर तुम्हें जनता वैसे तो का तो भी दिखाने लग रही है और अच्छे से अक्टूबर में दिखा देगी। और एक बार उस नाम को उठा के एक बार जनता के बीच में जाओ, फिर वो तुम्हें तुम्हारा और दिखाया भी बार बार, जो ये ज़्यादा बोल रहे हैं ना, इसको तो बार बार लोगों ने 2 दिन भर के, और ऐसा ही बड़ा नेता अपने आप को मानता है तो एक बार आता ना पार्लियामेंट के चुनाव में, लड़ा था ना पिछली बार रोहतक से, रोहतक सोनीपत आता, अपने आप को बड़ा नेता मानता है, उनका आगे वो तो जनता की अदालत तय करती है और पहले भी तय किया है। और ये मैंने किया, ये जो इनका अहंकार है ना, रावण का भी नहीं बचा, और मुझे लगता नहीं कि अब की बार ये इनका अहंकार थोड़ा मोटा जो है वो ज़मीन पे आके टिकेगा। जो अपना अस्तित्व था, इनको उनको जोड़ के चलना चाहिए था,
इसने हमें नहीं कुछ बनाया, हमने इसको बनाया है। ये 10 विधायक जब आया तो ये 5-7 सीटों पे हवा बनी, जैसे अब मारते ना हवा बना हवा बनाओ, तो ये देवीलाल जी कहते थे, उस शब्द को आज भी यूज करते हैं। उस टाइम के ज़माने भले थे और लोगों में एक सहनशीलता थी, लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। आज ये सोशल मीडिया का ज़माना है, आप बोल के लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। लोगों को सब पता है कि जो ये 4.5 साल का टर्म था उसमें जो भी ऐसा साहबजादे छोटे वाले या जो भी किया है पार्टी में, ये सब हरियाणा प्रदेश की जनता ने देख लिया है। और इसका नतीजा अभी भी पार्लियामेंट और बाकी बचे कुछ छोटी मोटी कसर रहेगी तो विधानसभा में इसका जवाब इनको मिल जाएगा। मुझे आज जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना इनको सुझाव देना चाहूँगा कि अपनी भाषा पर संयम रखें और अपने गरिमा का भी ध्यान रखें। कुछ नहीं आप जो मुंह पाड़ के कुछ भी बोल देते हो ना, आप कुछ भी नहीं है, आप पंचायत मेंबर बनने के भी लायक नहीं है। आज उसका रिजल्ट कल तक हमारे पास आ जाएगा, जो उसकी जो भी वोटिंग हुई है उसकी हम गिनती वगैरह करवा रहे हैं और एक हमारी जो संस्था है उनसे फीडबैक ले रहे हैं साथ साथ, और उसके बाद हमारी जो कोर कमेटी है आने वाले अगले 1 या 2 दिन के अंदर उनसे चर्चा करके फिर जो भी हमारे टोहाना हित के लिए होगा, जो जनता की भावना होगी उस भावना के अनुकूल देवेंद्र सिंह भी कार्य करें। सरकार के साथ खड़ा होना है या कुछ और हमने फैसला लेना, उस टाइम का समय उसी टाइम मिलेंगे जब फ्लो टेस्ट की बात आएगी। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।